अस्सलामु अलैकुम। टेली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुश आमदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कॉन्टेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट sabak.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तियाब हैं। आज के इस इंग्लिश लेसन में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स को सिखाया जाएगा। ये टॉपिक पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड्स और कैम्ब्रिज में क्लास 10 के कोर्स के अंदर मौजूद है। इस वीडियो लेक्चर की मदद से जो मकसद हम हासिल कर सकेंगे वो ये है कि आप सीख सकेंगे पहचान और इस्तेमाल मुख्तलिफ किस्म की रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स का। आज के इंग्लिश के लेसन और इससे मुंसलिक वीडियोस को घर बैठकर देखने के लिए आप sabak.pk की वेबसाइट पर जा सकते हैं। यहाँ पर तमाम बोर्ड्स की 9वीं से 12वीं जमात तक इंग्लिश के सारे टॉपिक्स पर वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट्स बिल्कुल मुफ्त मौजूद हैं। इनके ज़रिए आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता करके इम्तिहानात में शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के मुतालिक। जब किसी तहरीर को पढ़कर उसे समझने की कोशिश की जाती है तो ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कहलाया जाता है। जैसे कि यहाँ लिखा है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मीन्स, यानी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मतलब है अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ अ गिवन आर्टिकल और अ शॉर्ट पैसेज। आर्टिकल कहते हैं मज़मून को और पैसेज से मुराद है कदर छोटा मज़मून, और अंडरस्टैंडिंग का मतलब हुआ समझना, यानी जब किसी पैसेज को समझने की कोशिश की जाती है, यानी पहले उसे रीड यानी पढ़ा जाता है और फिर कॉम्प्रिहेंड करने की कोशिश की जाती है, यानी ये समझने की कोशिश की जाती है कि उसमें क्या कहा गया है या क्या लिखा गया है, और इस बात को जानने के लिए कि क्या आपको वाकई उसमें लिखी गई बात की समझ आ गई है, तो फिर इसके लिए क्या किया जाता है, उस मज़मून से मुतालिक सवालों के जवाब तलाश किए जाते हैं। जैसे कि कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट्स होते हैं जिनकी मदद से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि स्टूडेंट को किस हद तक उस पैसेज में लिखी हुई बात समझ में आ गई है और वो कितने अच्छे तरीके से उस मज़मून के मुतालिक किसी भी सवाल का जवाब दे सकता है। जैसे कि यहाँ लिखा है, कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट्स आर मेंट फॉर टेस्टिंग द अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड पावर ऑफ द स्टूडेंट्स, यानी स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग और उनकी पावर का अंदाज़ा लगाने के लिए उन्हें कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट्स करना होते हैं, यानी दिए गए पैसेज से मुतालिक सवालों के जवाब तलाश करके उन्हें लिखना होता है। तो चलिए अब देखते हैं कि इस अमल को करने के लिए स्टूडेंट्स को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, या फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के दौरान स्टूडेंट्स क्या करते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स बहुत ही गौर के साथ पैसेज को पढ़ते हैं और फिर सवालों के जवाब लिखते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा है, स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू रीड केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। तो यहाँ रीड केयरफुली पर जोर दिया गया है, यानी कि उसे पैसेज को बहुत ही ध्यान से पढ़ना होता है, और इसके अलावा स्टूडेंट्स को इस बात का भी ख़ास ख्याल रखना होता है कि सवालों के जवाब लिखने से पहले वो इस बात का यकीन कर लें कि उन्हें उस पैसेज की पूरी तरह से समझ आ चुकी है। जैसे कि यहाँ लिखा है, स्टूडेंट्स नीड टू हैव अ कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज बिफोर अटेम्प्टिंग टू आंसर द क्वेश्चंस। तो इसका मतलब ये हुआ कि सवालों के जवाब लिखने से पहले इस बात की अच्छी तरह से तसल्ली कर लेनी चाहिए कि आपको उस इबारत की अच्छी तरह से समझ आ गई है। तो अब हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से मुतालिक कुछ और अहम नुकात पर भी गौर करते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा है, नेवर यूज़ आउटसाइड नॉलेज। इससे मुराद ये है कि जब स्टूडेंट्स सवालों के जवाब लिखना शुरू करें तो उन जवाबात का जो ताल्लुक है वो सिर्फ उस पैसेज में दिए गई जो इन्फॉर्मेशन है उससे होना चाहिए, यानी उसके अलावा कोई भी गैर ज़रूरी बात अपने जवाबात के अंदर शामिल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।
ऐसा बहुत कम होता है कि पैसेज से हट कर कोई सवाल दिया जाए, जैसे कि उसमें आपकी राय के मुताबिक पूछा जाए, लेकिन फिर भी उसमें जो अहम नुकात होते हैं वो उसी पैसेज से लिए जाते हैं, यानी अपनी बात को प्रूव करने के लिए भी आपको बार बार उसी पैसेज से रेफरेंस लेना होगा। इसके अलावा दूसरा अहम नुकता यह है कि हमें दिए गए अहकाम को बहुत ध्यान से और गौर के साथ पढ़ना होगा, जैसे कि यहाँ लिखा है रीड इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। मिसाल के तौर पर आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि किसी भी लफ्ज़ के एंटोनिम यानी उसका उल्ट मतलब या फिर सिनोनिम यानी उसका मानी या मिलता जुलता मतलब बताएं। तो इस मौके पर आपको बहुत गौर से और ध्यान से अपना जवाब लिखना होगा, ऐसा ना हो कि आप एंटोनिम की जगह सिनोनिम लिख दें और सिनोनिम की जगह एंटोनिम लिख दें। इसके अलावा कुछ ऐसे भी सवाल होते हैं कि जिनके जवाब आपस में मिलते जुलते होते हैं, तो इस बात का भी ख़ास ध्यान रखना होता है कि हर सवाल के लिए सिर्फ उसी का जवाब लिखा जाए। इसके अलावा कुछ ऐसी हदायत भी होती हैं कि आपने जवाब को किस अंदाज में लिखना है या फिर वहाँ कोई निशान वगैरह लगाना है, तो इस बात का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा आप एक बेहतर हिकमत अमली अपना सकते हैं जिसकी मदद से आप बहुत आसानी के साथ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को मुकम्मल कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ लिखा है मेक स्ट्रेटिजिक गेसेस, यानी आप एक हिकमत अमली के तहत सवालों के जवाब को बूझने की कोशिश कीजिए। मिसाल के तौर पर अगर आपको एक पैसेज दिया गया है जिसके बाद बहुत से सवाल हैं, तो फिर आप कोशिश कीजिए कि पहले सवाल को पढ़ लीजिए और फिर उसके बाद पैसेज को पढ़ना शुरू कीजिए और सवाल के अंदर जो अहम नुकात हैं या अल्फाज हैं जिनके मुतालिक पूछा गया है, साथ साथ उनको अंडरलाइन करते जाइए। इसके अलावा आप सवालात के जवाब को पेन या पेंसिल की मदद से ब्रैकेट्स के अंदर निशान लगाकर नुमाया कर सकते हैं ताकि आपको जवाब लिखते वक्त आसानी हो। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि किसी सवाल के जवाब में हम ज़रूरत से ज़्यादा तफसील के साथ जवाब लिखने की कोशिश करते हों और ऐसा करते वक्त हम उससे अगले सवाल के जो जवाब होता है उसको भी पहले सवाल के जवाब में ही शामिल कर देते हैं। तो लिहाजा ये जो हिकमत अमली बताई गई है कि पहले सवालात को पढ़ लेना चाहिए और फिर पैसेज को पढ़कर उनके जवाबात को निशान लगाकर नुमाया कर लेना चाहिए और फिर बाद में उन्हें यानी उनके जवाबात को लिखने की कोशिश करनी चाहिए, तो इसकी मदद से हम इस तरह की गलती से बच सकते हैं। इसके अलावा अगर पैसेज को पहले से ही पढ़ लिया जाए और फिर जवाबात को पढ़ने की कोशिश की जाए, तो फिर जवाबात को पढ़ने के बाद दोबारा पैसेज को पढ़ना पड़ता है और इस तरह से वक्त भी ज़ाया होता है। तो वक्त को बचाने के लिए भी ये जो हिकमत अमली है, ये तरकीब जो है, ये बहुत अच्छी है। तो लिहाजा आपने सबसे पहले क्या करना है, रीड द क्वेश्चंस फर्स्ट, यानी सबसे पहले सवालात को पढ़ना है। रीड द क्वेश्चंस फर्स्ट ये एक अहम नुक्ता है, इसलिए हमने इसे तरतीब में मेक स्ट्रेटिजिक गैसेस से पहले कर दिया है। और अब ज़रा मेक स्ट्रेटिजिक गैसेस के ऊपर मज़ीद तफसील से बात करते हैं। तो एक अच्छी हिकमत अमली ये भी है कि जवाबात लिखने से पहले आप दी गई चॉइसेस को, जैसे कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में होता है, अच्छी तरह से पढ़ लें। उसके बाद अगर आपके पास वक्त की कमी है तो जो चॉइसेस आपको लग रही हैं कि वो सवाल के जवाब से काफ़ी दूर हैं, उनको पहले कैंसिल कर दीजिए या कट कर दीजिए और इस तरह से जो करीब तरीन जवाब है वो आपके सामने आ जाएगा। लेकिन अगर आपके पास वक्त ज़्यादा है तो फिर आप एक एक करके हर चॉइस को आंसर के अंदर फिट करके देख सकते हैं और ऐसा करते वक्त भी जवाब लिखने से पहले अच्छी तरह से तसल्ली कर लेनी चाहिए कि जिस जवाब को चुना गया है वो सवाल के ऐन मुताबिक है। इसके बाद सबसे आखिर में जो एक अहम नुक्ता है वो ये है कि जवाबात लिखने के बाद आंसर्स को अच्छी तरह से रिव्यू कर लेना चाहिए, रिव्यू आंसर शीट्स, ताकि आप अच्छी तरह से तसल्ली कर सकें कि आपने तमाम सवालात के मुकम्मल जवाब दिए हैं, उन्हें दुरुस्त जगह पर लिखा है। इसके अलावा आपको किसी जवाब के मुतालिक कोई डाउट हो यानी पूरा यकीन ना हो तो आप दोबारा से पैसेज को या पैसेज के उस हिस्से को अच्छी तरह से पढ़कर उसके जवाब को दुरुस्त कर सकते हैं। तो ये थे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से मुतालिक अहम नुकात। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का क्या मतलब होता है और उसमें स्टूडेंट्स को क्या करना होता है और ऐसा करते वक्त उन्हें किन अहम चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। तो इन तमाम बातों को सीखने के लिए आप इस वीडियो को रीप्ले कीजिए और इसके साथ साथ पढ़ने और समझने की कोशिश जारी रखिए।
इससे अगली वीडियो में हम एक सैंपल की मदद से इन तमाम स्टेप्स को मिलकर प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में हम एक सैंपल की मदद से ये देखने की कोशिश करेंगे कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर किन स्टेप्स को फॉलो किया जाता है। इससे पिछली वीडियो में हमने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से मुतालिक चंद अहम नुकात डिस्कस किए थे, जो कि यहाँ स्क्रीन पर आपके सामने मौजूद हैं। इन्हें एक मरतबा फिर दोहरा लेते हैं। यानी सबसे पहले क्या करना है, रीड इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, यानी दी गई हदायात को गौर से पढ़ना है। इसके बाद रीड द क्वेश्चंस फर्स्ट, सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़ा जाएगा। मेक स्ट्रेटेजिक गैसेस, यानी सवालात को पढ़ने के बाद अब उनके जवाबात को तलाश करने के लिए कोई अच्छी हिकमत अमली अपनाई जाएगी, जैसे कि किसी पेंसिल या पेन की मदद से उस पैसेज में, दिए गए पैसेज में जो जवाबात हैं उनको साथ साथ तलाश किया जाए और निशान लगा के नुमाया कर दिया जाए, और फिर बाद में अच्छी तरह से तसल्ली कर लेने के बाद उनके जवाबात को लिखा जाए। और आखिर में क्या करना है, रिव्यू आंसर शीट्स, यानी अपने आंसर्स को अच्छी तरह से चेक करना है कि वो सवालात के ऐन मुताबिक हों। तो यहाँ मौजूद है एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, इसका टाइटल है द सेवियर ऑफ मैनकाइंड। तो चलिए अब आप बताइए हमें सबसे पहले क्या करना है। सबसे पहले हमने इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ना है। इसके अलावा एक और अहम नुक्ता भी हमने इसे पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, इसे भी हम आखिर में अपनी याद दहानी के लिए शामिल कर लेते हैं, वो है नेवर यूज़ आउटसाइड नॉलेज। यानी सवालात के जवाब लिखते वक्त हमने सिर्फ उस पैसेज में से ही उसके जवाब तलाश करने हैं, और ख़ुद से या फिर किसी भी और बैरूनी हवाले से जवाब को लिखने की कोशिश नहीं करनी। तो अब देखते हैं इन सवालात को जो इस पैसेज से रिलेटेड हैं। पहला सवाल है, वेयर इज़ मक्का सिचुएटेड, यानी मक्का कहाँ वाक़ है। अब पढ़ते हैं दूसरा सवाल, व्हाट टाइप ऑफ लैंड इज अरेबिया, यानी अरेबिया की सरजमीन किस किस्म की है। तो लिहाजा इस तरह से ये दो अहम नुकात अब हमारे जहन में आ गए हैं कि हमने दिए गए पैसेज में से ये पता लगाना है कि मक्का कहाँ वाक़ है, और इसके अलावा हमने ये भी मालूम करना है कि अरेबिया की जो सरजमीन है उसकी साख्त किस तरह की है। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से मुतालिक हमने ये सीखा था कि पहले हमने सवालों को पढ़ना है, और इसके अलावा इंस्ट्रक्शन पर भी गौर करना है। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि सवालों के सामने लिख दिया गया है कि वो कितने मार्क्स या नंबरों के हैं। जैसे कि पहला सवाल जो है वो 3 नंबर का है, जबकि दूसरा सवाल सिर्फ 1 नंबर का है। अब इससे पता चलता है कि जो पहला सवाल है, माफ़ कीजिएगा, पहला सवाल जो है वो 1 नंबर का है, जबकि दूसरा सवाल है 3 नंबरों का। और यहाँ हमने इनके सामने क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 भी लिख दिया गया है, माफ़ कीजिएगा, लिख दिया है। तो लिहाजा अब इस बात को भी जहन में रखना होगा कि जवाब लिखते वक्त किस सवाल को तफसील से लिखना है और किसका जवाब मुख्तसर होगा। तो लिहाजा अब हम पहले 2 पॉइंट्स को मुकम्मल कर चुके हैं, यानी रीड इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, इसके सामने हम टिक लगा देते हैं। इसके अलावा रीड द क्वेश्चंस फर्स्ट, क्वेश्चंस को भी हमने पहले पढ़ लिया। अब मेक स्ट्रेटेजिक गैसेस की बारी है, यानी अब हम पैसेज को पढ़कर इन सवालात के जवाबात को निशान लगाने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद आंसर्स को लिखा जाएगा। तो चलिए अब मिलकर पैसेज को पढ़ने की कोशिश करते हैं, और साथ साथ अपने जवाबात पर भी गौर करेंगे। अरेबिया इज़ अ लैंड ऑफ अनपैरेलल्ड चार्म एंड ब्यूटी विद इट्स ट्रैकलेस डेजर्ट्स ऑफ सैंड ड्यून्स इन द डैजलिंग रेज ऑफ ट्रॉपिकल सन, माफ़ कीजिएगा, ऑफ अ ट्रॉपिकल सन। तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि अरेबिया एक दिलकश और ख़ूबसूरत जगह है, जिसकी खूबसूरती जो है वो अनपैरेलल्ड है, यानी जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। ट्रैकलेस डेजर्ट से मुराद है कि यहाँ ऐसे सहरा मौजूद हैं कि जिनमें रास्ते आसानी से नहीं मिलते, और यहाँ पर सैंड ड्यून्स हैं, यानी रेत के टीले हैं। ट्रॉपिकल सन से मुराद है गर्म इलाकों का सूरज या उसकी धूप या फिर उसकी गर्मी, जो कि बहुत ही डैजलिंग होती है, यानी बहुत ही चमकदार होती है। अब चूंकि हम सवालात को पहले ही पढ़ चुके हैं, तो यकीनन आपके जहन में ये बात आ रही होगी कि यहाँ पर बात हो रही है अरेबिया यानी अरब के इलाके के लेआउट के मुतालिक, यानी वो देखने में किस तरह से लगता है। जैसे कि यहाँ उसकी खूबसूरती के मुतालिक बताया गया, सैंड ड्यून्स का जिक्र किया गया, और वहाँ की तेज़ चमकीली धूप के मुतालिक बताया गया। अब आगे पढ़ते हैं,
Its starry sky had excited the imagination of poets and travelers. यानी इसका सितारों भरा आसमान जो है वो शायरों और मुसाफिरों के ख्यालात को जोश देता है, यानी शायर इस बात पर मजबूर हो जाते हैं कि वो इसके मुतालिक कोई नज़्म वगैरह लिखें, और इसी तरह से मुसाफिर जो हैं वो बार बार उस सरज़मीन पर जाने का शौक़ रखते हैं क्योंकि वहाँ का मंज़र या नज़ारे जो हैं वो बहुत ही दिलकश हैं। तो इस जुमले में भी मज़ीद ये बताया जा रहा है कि अरब की सरज़मीन किस तरह की लगती है या वो किस किस्म का इलाका है। आप आगे पढ़ते हैं, इट वॉज़ इन दिस लैंड दैट द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम वॉज बॉर्न इन द सिटी ऑफ मक्का विच इज़ अबाउट 50 miles फ्राम द रेड सी। यानी इसी सरज़मीन में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, मक्का के शहर में जो कि बहीरा अहमर से 50 मील की दूरी पर है। तो अब जैसे कि हमने सवाल को पहले से पढ़ रखा है जो कि मक्का से मुतालिक है, तो यहाँ उसके मुतालिक बताया जा रहा है कि मक्का में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। और अब ये भी बताया गया है कि ये शहर जो है ये किस जगह वाक़ है, ये रेड सी यानी बहीरा अहमर से 50 मील की दूरी पर है। तो इस तरह से हमें ये अपने दूसरे सवाल का जो है जवाब उससे मुतालिक लग रहा है। तो चलिए सवालात को एक मरतबा फिर पढ़ते हैं और इनके जवाबात को पैसेज के अंदर निशानात लगाकर वाज़े करने की कोशिश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, वेयर इज़ मक्का सिचुएटेड, यानी मक्का किस जगह वाक़ है। तो अभी हमने पढ़ा था कि मक्का का जिक्र इस पैसेज के आखिर में मौजूद था और यहाँ लिखा था सिटी ऑफ मक्का विच इज़ अबाउट 50 miles फ्राम द रेड सी। तो अब हम यहाँ अगर ब्रैकेट का निशान लगा दें तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर वन का आंसर बनता है मक्का, और इसको हमें थोड़ा सा तब्दील करना होगा, मक्का इज़ अबाउट 50 miles फ्राम द रेड सी। और मक्का और रेड सी ये कहाँ मौजूद हैं, ये हैं अरेबिया के अंदर। तो लिहाजा इस तरह से हमारा जवाब मुकम्मल होगा कि मक्का इज़ अब 50 miles फ्राम रेड सी इन द लैंड ऑफ अरेबिया। और आप देख सकते हैं ये एक छोटा सा आंसर है, लिहाजा जो इसकी वेटेज थी यानी ये सिर्फ एक नंबर का सवाल था, तो उस लिहाज से ये जवाब अब मुकम्मल भी होगा और इसमें मज़ीद तफसील या इसको इसके अंदर मज़ीद और कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखते हैं दूसरा सवाल, वो है वाट टाइप ऑफ लैंड इज़ अरेबिया, यानी अरब का इलाका किस किस्म की सरज़मीन है। और ये है 3 नंबर का सवाल, लिहाजा यहाँ हमें थोड़ी सी तफसील शामिल करनी होगी। तो पैसेज के पहले हिस्से में हमने पढ़ा था, अरेबिया इज़ अ लैंड ऑफ अनपैरेलल्ड चार्म एंड ब्यूटी विद इट्स ट्रैकलेस डेजर्ट्स ऑफ सैंड ड्यून्स इन द डैजलिंग रेज ऑफ अ ट्रॉपिकल सन, इट्स स्टारी स्काई हैज़ एक्साइटेड द इमेजिनेशन ऑफ पोइट्स एंड ट्रेवलर्स। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 2 का जो जवाब है वो यहाँ पर मुकम्मल हो चुका है। और अगर मार्क्स के लिहाज से देखा जाए तो ये भी ये खासा तफसील में है, तो लिहाजा ये एक मुकम्मल जवाब हुआ। और इस तरह से अब हमने पॉइंट नंबर 3 को भी कंप्लीट कर लिया है, यानी मेक स्ट्रेटजिक गेसेस। हमने ब्रैकेट्स की मदद से निशानदेही कर दी है कि किस सवाल का जवाब पैसेज के किस हिस्से से लिखा जाएगा। तो अब इसके बाद इन सवालात के जवाब लिखे जाएंगे, जैसे कि यहाँ मैंने लिख दिया है क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर जो कि है मक्का विच इज़ अबाउट 50 miles फ्राम द रेड सी इज सिचुएटेड इन सऊदी अरेबिया। और अब चूँकि इस सवाल का जो जवाब था यानी ये जो जवाब हमने यहाँ लिखा है ये सिर्फ एक जुमले में ही मुकम्मल हो गया है, जैसे कि यहाँ हमने वेटेज के मुताबिक देखा था ये सिर्फ एक मार्क का यानी एक नंबर का सवाल था, तो लिहाजा अब हम यहाँ इसमें मज़ीद तफसील यानी अरेबिया जो है वो किस तरह से देखने में नज़र आता है इस किस्म की कोई और गैर ज़रूरी बात शामिल नहीं करेंगे। और एक दूसरे नुक्ते को भी हमने जहन में रखना है कि नेवर यूज़ आउटसाइड नॉलेज, यानी कोई भी और मज़ीद बात जो हमें ख़ुद से मालूम हो जो कि पैसेज के अलावा हमें सऊदी अरेबिया के मुतालिक पता हो या मक्का के मुतालिक पता हो, उसे भी हम हरगिज़ यहाँ शामिल नहीं करेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब, यह है अरेबिया इज़ अ लैंड ऑफ अनपैरेलल्ड चार्म एंड ब्यूटी विद इट्स ट्रैकलेस डेजर्ट्स ऑफ सैंड ड्यून्स इन द डैजलिंग रेज ऑफ अ ट्रॉपिकल सन। अब अगर क्वेश्चन पर गौर किया जाए या फिर उसके साथ मौजूद इंस्ट्रक्शन को देखा जाए तो ये सवाल जो है ये
तीन नंबरों का था, लिहाजा हम इसमें मज़ीद तफसील भी शामिल कर सकते हैं, यानी इसमें इस बात को भी शामिल किया जा सकता है कि इट्स स्टारी स्काई हैज़ एक्साइटेड द इमेजिनेशन ऑफ पोइट्स एंड ट्रेवलर्स।